हेलो दोस्तों, इधर आओ। क्या आप भी तो उन लोगों में से नहीं है जिन्होंने अपनी ITR फाइल करते हुए फेक डिडक्शंस ली हैं? तो दोस्तों, आज की ये वीडियो होने वाली है फेक डिडक्शन इन ITR वाले टॉपिक पे। रिसेंटली ऐसा देखा जा रहा है कि काफ़ी सारे सैलरीड एम्प्लॉयज जो अपना रिफंड बढ़ाने के लिए फेक डिडक्शंस क्लेम कर रहे हैं रिटर्न फाइल करते वक्त, और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी काफ़ी सारे नोटिसेस भेज रहा है टू दोज पर्संस जिन्होंने फेक डिडक्शंस दिखा के बहुत सारा रिफंड क्लेम किया हुआ है। आप गूगल पे सिंपली सर्च करिए फेक डिडक्शन इन ITR और बहुत सारी वेबसाइट्स आपके सामने आ जाएंगी जहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि फेक डिडक्शन क्लेम करके क्या क्या पेनल्टी लग सकती है। ऐसी ही एक न्यूज़ कवर की है एक काफ़ी बड़े न्यूज़ चैनल ने, जिसमें बताया गया है कि फेक डिडक्शन लेने पर आपके ऊपर पेनल्टी अप टू 200% ऑफ टैक्स पॉसिबल ऑन फेक रेंट रिसीट्स क्लेमिंग फॉल्स डिडक्शन ऑफ डोनेशंस लग सकती है। ऐसी दूसरी न्यूज़ है जिसमें लिखा हुआ है क्लेमिंग फेक डिडक्शंस रेंट रिसीट्स वाइल फाइलिंग योर ITR कैन लीड टू हैवी पेनल्टीज। सिमिलरली दूसरी न्यूज़ है मिस्टेक्स इन ITR फाइलिंग, बी अलर्ट, रॉन्ग डिडक्शंस एंड एग्जेम्पशंस इन इनकम टैक्स रिटर्न्स कैन लैंड टैक्स पेयर्स इन ट्रबल। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अब रिसेंटली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी यूज़ करना शुरू कर दिया है। AI का यूज़ करने से हुआ क्या है? AI का यूज़ करने से सिस्टम खुद ही ऑटोमेटिकली रॉन्ग या फिर एक्सेस डिडक्शन डिटेक्ट कर लेता है और जो असेसी है उसको नोटिस भेज देता है। एक न्यूज़ वेबसाइट ने एक आर्टिकल पब्लिश किया है जिसमें लिखा है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सेंड्स नोटिसेस टू टैक्स इवेडर्स यूजिंग AI। एज पर द रिपोर्ट द इनकम टैक्स नोटिसेस वर इशूड टू एलिस्ट इवेडर्स अंडर सेक्शन 138 एंड 148A। तो अब बात पुराने जमाने वाली नहीं रह गई कि टैक्स पेयर कुछ भी क्लेम कर ले और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कुछ भी रिफंड इशू कर दे। अब जमाना AI का है। तो एक बात हमेशा याद रखें कि जब भी आप अपनी ITR फाइल कर रहे हैं तो केवल सही और जेन्युइन डिडक्शंस को क्लेम करें, ना कि फेक डिडक्शंस को, ताकि अगर कोई आपके पास नोटिस आता भी है तो उनकी जो सपोर्टिंग्स आपके पास अवेलेबल हैं उनको आप प्रोड्यूस कर सकें। तो अब बात कर लेते हैं कौन कौन सी ऐसी डिडक्शंस हैं जो कि फेक डिडक्शंस के रूप में क्लेम करी जाती हैं। तो पहली है HRA रेंट रिसीट्स। अब इसमें लोग करते क्या है, जनरली लोग या तो HRA गलत क्लेम करेंगे या फिर एक्सेस क्लेम करेंगे, या फिर रहे तो वो ओन्ड प्रॉपर्टी में रही हैं लेकिन किसी को रॉन्गफुली तरीके से रेंट रिसीट्स दिखा के गलत HRA क्लेम कर लेंगे। अपनी सेकंड डिडक्शन है सेक्शन D की, जिसमें मेडिकल इंश्योरेंस या फिर मेडिकल एक्सपेंसेस से रिलेटेड एक्सपेंसेस कवर होते हैं। इसमें लोग क्या करते हैं, उनके पास कोई मेडिकल इंश्योरेंस भी नहीं है, उन्होंने ड्यूरिंग द ईयर कोई मेडिकल एक्सपेंडिचर भी नहीं करा, लेकिन मजे की बात है कि वो जब ITR फाइल करेंगे तो पूरा का पूरा जो भी डिडक्शन ATD बोलता है वो ले लेंगे, जबकि ना तो उनके पास उसका कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है और ना ही वो बात ये साबित कर पाएंगे क्योंकि उनके पास कोई सपोर्टिंग ही अवेलेबल नहीं है। तीसरी डिडक्शन है सेक्शन ATG की, जिसमें आप कह सकते हैं चैरिटी टू NGOs या फिर कोई दूसरी डोनेशन। अब इसमें लोग करते क्या है, लोग NGOs को पैसा दे देते हैं और बैकेंड से पैसा वापस भी ले लेते हैं और एक रिसीट कटवा लेते हैं जिससे ये साबित हो जाए कि उन्होंने उनको चैरिटी करी दी। अब इसी रिसीट के बेसिस पे वो अपना डिडक्शन भी क्लेम कर लेते हैं, लेकिन नहीं करना चाहिए, बाकी आपकी मर्जी कि आप क्या करते हैं। अब अपनी नेक्स्ट डिडक्शन है सेक्शन ATGGC की, यानी कि डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टीज। रिसेंटली ऐसा देखा जा रहा है कि बहुत सारे लोग अपने रिश्तेदारों के थ्रू, दोस्तों के थ्रू या जानने पहचाने वाले के थ्रू किसी भी छोटी मोटी पॉलिटिकल पार्टी को ढूंढ लेते हैं, उनको वो पैसे दे देते हैं, बैक से वापस भी ले लेते हैं, लेकिन करते क्या है, उनसे रिसीट मिल जाएगी, उनको रिसीट के बेसिस पे वो डिडक्शन क्लेम कर लेंगे और वो भी 100%। मजे की बात है कि ना तो इसमें पॉलिटिकल पार्टी को कुछ फर्क पड़ता है, ना ही टैक्स पेयर को फर्क पड़ता है, सिर्फ और सिर्फ डिपार्टमेंट को। अब जब भी डिपार्टमेंट को ऐसे कुछ पता चलेगा तो क्या करेंगे, वो पॉलिटिकल पार्टी जिन्होंने भी उनसे ये रिसीट्स ली हैं उन सबको नोटिसेस भेज सकती है, या फिर जिस टैक्स पेयर ने ये डिडक्शन दिखाई है उसको नोटिसेस भेज के बुलाया जा सकता है और कार्रवाई शुरू करी जा सकती है। तो मेरी माने तो ऐसी डिडक्शन से दूर ही रहें। अपनी फिफ्थ डिडक्शन है सेक्शन ATGGB की, यानी कि मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर स्पेसिफिक डिजीज,
लोग इस सेक्शन में भी काफी हैवी हैवी डिडक्शंस क्लेम कर लेते हैं, लेकिन उन्हें इस बात का तो पता ही नहीं कि कौन कौन सी डिजीज इसमें कवर होती है और वो ले भी सकते हैं या नहीं। अपनी सिक्स रिडक्शन है सेक्शन 80DD की, यानी कि डिसेबिलिटी। इसमें भी बहुत सारे लोग गलत गलत तरीके से डिडक्शन क्लेम कर लेते हैं और बाद में काफी सारी परेशानियों को फेस करते हैं। अपनी सेवंथ डिडक्शन है डिडक्शन ऑन होम लोन। जब भी हम कोई होम लोन लेते हैं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको इंटरेस्ट की डिडक्शन लेने का ऑप्शन देता है अंडर सेक्शन 24, लेकिन कुछ लोग इसको और बढ़ाने के लिए कुछ भी डाल डाल के अलग अलग सेक्शंस में डिडक्शंस ले लेते हैं बिना उन सेक्शंस की टर्म्स एंड कंडीशंस को चेक करे हुए। ऐसे कुछ सेक्शन है सेक्शन 80C, सेक्शन 80EE, सेक्शन 80EEA और वगैरह वगैरह। तो गाइज मान लेते हैं कि आप में से कुछ लोगों ने गलत डिडक्शन क्लेम कर भी ली। अब जब डिपार्टमेंट को इसके बारे में पता चलेगा तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? कहीं ऐसा तो नहीं हो जाए कि आपने बचाए तो 2 रुपए थे लेकिन देने आपको 10 रुपए पड़ गए। वैसे तो इनकम टैक्स एक्ट के अंदर बहुत सारे सेक्शंस हैं जो पेनल्टी या फिर इम्प्रिजनमेंट की बात करते हैं, लेकिन हम एक जनरल सेक्शन या पेनल्टी की बात करते हैं जो है सेक्शन 276 में लिखे हुए। अगर आपने अपनी ITR फाइल करते वक्त अपनी इनकम को मिस रिपोर्ट किया है या फिर गलत डिडक्शंस क्लेम करी हैं तो आपके ऊपर इंटरेस्ट लग सकता है @ 12% पर एनम प्लस 200% ऑफ टैक्सेस। मींस यानी कि जो भी आपने टैक्स बचाने की कोशिश करी गलत तरीके से उस पर डिपार्टमेंट आपको 200% तक का एज अ पेनल्टी लगा सकता है, प्लस में प्रोसिक्यूशन भी हो सकता है। दैट मींस प्रोसिक्यूशन विच मे एंटेल इम्प्रिजनमेंट, यानी कि आपको कम से कम 6 महीने और ज्यादा से ज्यादा 7 साल तक आपको जेल के पीछे भी रहना पड़ सकता है। तो दोस्तों इन सब बातों को दिमाग में रखते हुए आपको कभी भी रॉन्ग डिडक्शंस क्लेम नहीं करनी, सिर्फ वही क्लेम करनी है जो जेन्युइन है और साबित कर पाएंगे, अदरवाइज जेल जाने तक की नौबत आ सकती है। एक और जरूरी बात, आपको ऐसे लोगों से भी बच के रहना है जो आपको ये कह के क्लाइंट बनाते हैं कि वो आपको 100% रिफंड दिलवा देंगे, और हो सकता है वो आपको रिफंड दिलवा भी दें, लेकिन जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके पास आएगा ना तो वो कहीं पे नजर नहीं आएंगे, तो फिर आपको ही सारी परेशानियों को फेस करना पड़ेगा। तो सिंपली आपको वही डिडक्शंस क्लेम करनी है जो जेन्युइन है, सही है और समय आने पे आप साबित कर पाएंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको भी किसी और टैक्स मैटर में या किसी भी तरीके की टैक्स कंसल्टेंसी की जरूरत है तो आप हमें भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हम भी ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं एट अ अफोर्डेबल कॉस्ट। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।